हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 9 to 5 गाय। तो सुजलन एनर्जी का रिजल्ट्स आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है, काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं, काफ़ी खुश हूँ सुजलन एनर्जी का रिजल्ट्स देख के। आप भी खुश हो जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अब ये प्रॉफिट अदर इनकम से है या बटर बिजनेस से, उनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उससे है। ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड नहीं बनाते, जो हम लोग बोलते हैं उनका मेन बिजनेस है उससे है। पूरा देखेंगे, वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर हम लोग उनकी वैल्यूएशन की बात करें तो करंट प्राइस 9 है, हाई 12 था, तो डेफिनेटली 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 22.3% रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि डेफिनेटली इतना उन्होंने रिटर्न दिया नहीं है। ग्रोइंग कंपनी है, लॉस करती थी, अभी प्रॉफिट कर रहे तो दैट इज़ अ गुड थिंग। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है और उसमें से प्लेज 80% है, तो दैट इज़ द बिग कंसर्न फॉर द कंपनी। और बातें करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी है डेफिनेटली उबर कर बाहर है, अच्छे प्रॉफिट कमाए, क्योंकि बहुत होप से पूरी दुनिया को होप से सुजलन से। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी कर रहे करते रहे, अच्छा काम करते रहे एंड डेफिनेटली प्रॉफिट कमाते रहे और हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर को खुश करते रहे। अगर हम लोग उनकी रिजल्ट्स की बात करें, ये वीडियो क्विक बनाऊंगा क्योंकि डेफिनेटली टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, बट ट्राई करूँगा कि जो भी है पूरा कवर करूँगा। अगर हम लोग जो सेल्स की बात करें, सेल्स रेवेन्यू है बीच में थोड़ा बड़ा था बट अभी कांस्टेंट है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ये दे सकते हैं, अपरिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। मार्जिन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी 15% अच्छा मार्जिन दे रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर हम लोग जो लास्ट बात करें टैक्स तो ठीक है, टैक्स हो गया। अगर हम लोग जो नेट प्रॉफिट है उनका, नेट प्रॉफिट मतलब सब टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब घटा के, अगर टैक्स की बात करें, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी -800 -400 जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये 244 2433 आप छोड़ दीजिए, उसमें अदर इनकम है। अदर इनकम में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक उन्होंने अपना कोई तो एसेट बेच दिया या कोई होल्डिंग बेच दी, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, अदर इनकम आपको नहीं देखना है। ये अगर छोड़ दें, और अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करें 56 करोड़ एंड ये क्वार्टर्स की बात करें 78 करोड़, तो ये होता है प्रॉफिट्स। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट है, बट इसमें आप उनको क्या करना पड़ेगा, अपना प्लेजिंग कम करना पड़ेगा, अपना डेप्ट कम करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ प्रमोटर्स कर पाते हैं तो क्या ही बताओ, शेयर आपको जो मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग बोलते हैं वो दे सकता है। बट ये सारी चीज़ें जब तक शॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक ये अपने आप को और इम्प्रूव नहीं करते, तब तक ये होता रहेगा। अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें, ये और एक चीज़ है जो कैश फ्लोज रहते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज है 238 करोड़, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो लास्ट थिंग है, अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, सॉरी शायद तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, बट प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 4% FIIs DIIs इतने नहीं है, ऑलमोस्ट बाकी की सारी होल्डिंग 80% होल्डिंग इज इन पब्लिक हैंड, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर कोई शेयर में पब्लिक ज़्यादा है तो पब्लिक में ऑपरेटर्स भी आते हैं, और अगर शेयर में कोई ऑपरेटर घुस जाता है और वो शेयर को भगाने लगता है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको पता चले कि भाई कभी बाय करना है और कभी सेल करना है, और ये शेयर अपने फंडामेंटल्स पे दौड़ रहा है या सिर्फ ऐसे ही हवे में दौड़ रहा है। तो अच्छा शेयर है, अच्छा प्रॉफिट दिया, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स दैट दे गिव। मिड कैप कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, थोड़े अप्स डाउन्स आएंगे बट अच्छा रिजल्ट दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर भी उनका इससे बेटर हो और हम लोग को जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको अच्छा रिटर्न देता रहे। डेफिनेटली डिविडेंड वगैरह कभी तो देता रहे, बट अच्छा प्रॉफिट दो, लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दो, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स दो, यही उम्मीद है ये शेयर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।